हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म की, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है। इसमें एक सब्स्ट्रेट होता है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऊपर मैंने आपको बोला सोलवेंट मॉलिक्यूल लिखना है आपने, किस सोलवेंट में आप रिएक्शन करवा रहे हैं। लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम आरएल को बोलेंगे सबस्ट्रेट, जो अटैक कर रहा है इसे बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोफाइल। नो डाउट ये आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और साथ में जो ग्रुप बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने एक वीडियो में पहले बहुत डिटेल में बता रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उस वीडियो का नाम है 10 रूल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, आप लोग उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। सबस्ट्रेट का जहां तक सवाल है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एल्काइल हेलाइड्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्काइल हेलाइड की सबस्ट्रेट की फॉर्म में। और लिविंग ग्रुप वो आयन है जो इस सबस्ट्रेट से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जहां तक न्यूक्लियोफाइल का सवाल है, मैंने आपको बोल दिया ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या न्यूट्रल स्पीशीज होती है। अगर तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी तो आपको वैसे ही पहचान में आ जाएगी, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, X नेगेटिव वगैरह वगैरह। अगर ये न्यूट्रल भी है, अगर ये न्यूट्रल भी है तो भी आप इसको पहचान सकते हैं इसके ऊपर लोन पेयर को देखकर। ये सारी डिस्कशन मैंने वहां की हुई है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सोलवेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोलवेंट को हमने बेसिकली दो पार्ट में बांटा हुआ है। सोलवेंट को हमने बेसिकली दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक को बोला जाता है नॉन पोलर सोलवेंट्स और एक को बोलते हैं पोलर सोलवेंट्स। ये वो सोलवेंट होते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे कि CCl4 है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड है। तो ये जो सोलवेंट्स हैं, बेंजीन है, ये जो सोलवेंट है ये नॉन पोलर सोलवेंट कहलाते हैं। और ये जब यूज होंगे तो एल्केन वगैरह चैप्टर में ज्यादा यूज किए जाते हैं। जहां तक पोलर सॉल्वेंट का सवाल है, इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, या फिर दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक को बोलते हैं PAS जिसे बोला जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऐसा ही पोलर सॉल्वेंट्स जिसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का काम हाइड्रोजन करेगा उन्हें बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, HOH। एच क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, और वो क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। ऐसे ही एल्कोहल, ROH। एच पार्शियल पॉजिटिव है, वो पार्शियल नेगेटिव है। तो जिन जिन कंपाउंड्स में, जिन जिन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी भी हो और उसकी जो पॉजिटिव साइट हो वो हाइड्रोजन हो, तो ऐसे सोलवेंट को हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स। लेकिन ऐसे सोलवेंट्स जिनमें पोलैरिटी तो हो लेकिन उनमें जो पॉजिटिव सेंटर है वो हाइड्रोजन नहीं हो, उन्हें बोला जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको। जैसे आपके सामने कई बार नाम आएगा DMF, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और इसकी स्ट्रक्चर होती है ये। सेकेंड नंबर पर लिख रहा हूँ DMA, डाई मिथाइल एसिटामाइड, CH3CO, और ये जो नाइट्रोजन है ये एल्काइल ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होगा। THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये भी एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये भी एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा HMPA, हम्पा, इसका नाम होता है हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जितने भी सॉल्वेंट में लिख रहा हूं
CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। इसके अलावा बहुत कॉमनली यूज होने वाला सॉल्वेंट है एसीटोन। एसीटोन भी आप जानते ही, CH3, COCH3। तो ये कुछ सॉल्वेंट है जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं, क्राउन ईथर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है जिनको हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस, एक पढ़ेंगे SN2 रिएक्शंस, तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शंस जो होती हैं उनमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, और SN1 रिएक्शंस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो होते हैं सोलवेंट। इसी तरह सोलवेंट के जैसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसकी बात करनी बहुत जरूरी है, उसे बोला जाता है लिविंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो सबस्ट्रेट में से रिलीज होगा ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए, उस ग्रुप को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो सबस्ट्रेट से रिलीज होगा और जो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया जाएगा, उस ग्रुप को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में छोटी सी डिस्कशन करनी बनती है। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि RL+NU- इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा RNU+L-। इस एल नेगेटिव को हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्वाइट नेचुरल है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस में ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा। और जिन रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप गुड होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, एक को बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो आराम से रिलीज हो जाएगा ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इजिली होगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या होती हैं, कंपेरेटिवली फास्ट होती हैं। तो लिविंग ग्रुप या तो हो सकता है गुड लिविंग ग्रुप या हो सकता है पुअर लिविंग ग्रुप। अगर गुड लिविंग ग्रुप रिलीज होने वाला है, नेचुरल सी बात है जितनी जल्दी ये रिलीज होगा बच्चों, उतनी आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा इस पे। तो गुड लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, और अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता तो या तो रिएक्शन होती नहीं है और या रिएक्शन कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हेलाइड आयन है वो अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं, लेकिन एल्कोहल के OH और एमीन के NH2 बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, फिर भी वो रिएक्शन शो करते हैं। उसके लिए हमें उन पुअर लिविंग ग्रुप्स को जो कि OH और NH2 हैं, उनको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो जब आएगा उस रिएक्शन की मैं बात करूंगा। तो मैंने बेसिक बात बताई, जो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्शन फास्ट होगी, जो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे उनकी रिएक्शन स्लो होगी। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है? तो एक स्टेटमेंट बड़ी फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या, कि ऑल वीक बेसिस या पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ये बड़ी छोटी सी एक लाइन है, ये आपको याद रखनी है कि अगर नेगेटिवली चार्ज आयन वीक बेस है तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। एग्जाम्पल से बताता हूं, अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr और HI मॉलिक्यूल के बारे में, आप जानते हैं एसिड्स भी हैं। अगर ये प्रोटॉन को रिलीज करेंगे तो ये देगा F नेगेटिव आयन, ये देगा Cl नेगेटिव आयन, ये देगा Br नेगेटिव आयन और HI देगा I नेगेटिव आयन। अब आप मुझे बताइए, इन चारों एसिड्स में अगर कंपैरिजन करूं तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI, इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन सा है, HF, और आपको सबको अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेटेड बेस। ये बात कई बार हमने पढ़ी है GOC के अंदर, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसमें से प्रोटॉन निकलने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा वो कैसा बेस होता है, वो वीक बेस होता है। तो आप समझते ही हैं, अगर ये स्ट्रोंग बेस है तो ये जो स्ट्रोंग एसिड है तो ये जो बेस बना ये कैसा बेस है, ये वीक बेस है। और अगर ये वीक एसिड है तो कंपैरेटिवली ये कैसा बेस माना जाएगा, स्ट्रोंग बेस माना जाएगा। तो यानी कि अगर मैं आई नेगेटिव से एफ नेगेटिव तरफ जाऊंगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगी, या उल्टा एफ नेगेटिव से आई नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो बेसिक नेचर क्या होगी, कम होगी।
अगर मैं जाता हूँ एफ नेगेटिव से सी एल नेगेटिव, सी एल नेगेटिव से बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव से आई नेगेटिव, तो ये जो टेंडेंसी है ये इनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेसिक नेचर है वो यूं बढ़ रही है बच्चों। तो ये अगर स्ट्रोंगेस्ट बेस है और ये वीकेस्ट बेस है, और मैंने बोले दिया कि जितना बेस वीक होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो आप समझ जाइए हेलाइड आयंस में सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप किनको माना जाता है? आई नेगेटिव आयंस को माना जाता है। कई बार आपके सामने ऐसे आयंस भी आएंगे जिनके डोनर एटम सेम होंगे। अगर ऐसा आयन आपके पास में आता है तो उस केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस नेगेटिवली चार्ज आयन में क्या कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो नहीं आ रहा। अगर वो नेगेटिवली चार्ज आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्वाइट नेचुरल है कि वो एग्जिस्टेबल हो जाएगा, फिर उतना ज्यादा एग्जिस्टेबल हो जाएगा जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप को एग्जिस्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको फ्री स्टेट में रहना होता है, यानी कि इसके साथ बॉन्ड नहीं है आपको। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप, चाहे वो रेजोनेंस के थ्रू हो चाहे और किसी फैक्टर के थ्रू हो, उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप वो माना जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास में, मैं अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो मेरे पास है आर ओ एच एल्कोहल, मेरे पास है फिनोल पी एच ओ एच, मेरे पास है एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी ओ एच, और लास्ट में मेरे पास में है सल्फोनिक एसिड सी एस थ्री एस ओ थ्री एच। अगर मैं इनको आनाइज करके इनके कॉन्जुगेट बेस लिखूं तो क्या आएंगे? इसमें से एच प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा? आर ओ नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन। इसमें से एच निकलेगा तो क्या बनेगा? पी एच ओ नेगेटिव फिनोक्साइड आयन। इसमें से अगर एच निकलेगा तो क्या बनेगा? एसीटेट आयन। और सल्फोनिक एसिड में से एच निकलेगा तो बनेगा मिथाइल सल्फोनेट आयन। तो जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि इन सबके डोनर देख लो सेम है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। क्या आप मानते हैं कि सबसे स्ट्रोंग एसिड इन चारों में कौन है? सल्फोनिक एसिड इन चारों में, और इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन सा है? एल्कोहल। तो क्वाइट नेचुरल है इससे तो ये बना है। ये क्या है? ये आपका वीक, ये आपका स्ट्रोंग बेस, और इससे तो बना है ये क्या है? आपका वीक बेस है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। और जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की भी बात की थी। मैंने आपको वहां बताया था कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बने हों वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहाँ पर भी जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की जो इफेक्ट होता है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा होता है। इसलिए इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है। एज यू कैन सी यहाँ पर तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दी है तो ये दूसरी बनाने जा रहा हूं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अब इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा डबल बॉन्डेड, और ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड था। तो पहली स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर, और अगर मैं तीसरी बार मूवमेंट करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, और मैं उसको साइड में शो कर रहा हूं तो ये बन जाएगी आर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं एक तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस वो होता है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी बनती है, और दूसरा इसमें तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हुआ? यह है। ये केवल दो ही स्ट्रक्चर बनाएगा तो उससे कम स्टेबल है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होता फिनोक्साइड में, नॉर्मल रेजोनेंस होता है, ये उससे कम, और यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं एल्कोक्साइड में। तो जो मैंने बात बोली थी कि अगर आपके लिविंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है तो वो एग्जिस्टेबल होगा, और जितना वो इजिली एग्जिस्टेबल होगा उतना इजिली डिपार्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे अच्छे से ये निकल जाएगा, उससे कम स्पीड से ये, उससे कम स्पीड से ये, और सबसे कम स्पीड से कौन निकलने वाला है? आर ओ पी आर ओ नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। अगर बेसिक नेचर दोनों बातें लग रही हैं यूं बढ़ रही है तो आपको बताइए जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी वो कहाँ बढ़ेगी? वो यूं बढ़ेगी।
यानी कि सल्फोनेट आयन जितने भी होते हैं, चाहे वो एल्काइल सल्फोनेट आयन्स हो, चाहे वो एराइल सल्फोनेट आयन्स हो, वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन है, ये ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं माने जाते। चार इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स आपको याद भी रखने हैं, चार या पांच, जो जब भी आपको दिख जाए सब्स्टिट्यूशन में, आपने हमेशा उनको क्या करना है, रिलीज आउट करना है। कौन कौन से वो ग्रुप हैं? जब भी लिविंग ग्रुप के बारे में बात करनी हो, ये चार पांच इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप है जो आपको सीखने हैं कि कौन कौन से ग्रुप आपको लेने हैं। एक तो सबसे बढ़िया जो लिविंग ग्रुप माना गया है, वो माना गया है C4H9SO3-। इसको सुपर लिविंग ग्रुप भी कहा जाता है। कहीं भी आपको ये दिख जाएगा तो आपने इसको सबसे बढ़िया माना है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में। उससे थोड़ा सा कम हम लिखते हैं CF3SO3-। इस आयन को ट्रिफ्लेट आयन बोला जाता है, ट्रिफ्लेट आयन बोला जाता है। इससे कम, अब एरोमेटिक में आते हैं, हमें डायरेक्ट SO3- लिख सकता हूं ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला है ना, तो NO2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं नो साइलेंट आयन। उससे थोड़ा सा कम SO3- और ब्रोमीन लगा देंगे पैरा पे, इसको बोलते हैं ब्रो साइलेट आयन, ब्रो साइलेट आयन। एक और कम SO3- और मिथाइल लगा देते हैं तो इसको टो साइलेट। आपके सामने जब भी आएंगे, या तो इन नेम्स के थ्रू आएंगे या इनकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखो उसके थ्रू आएंगे, ये फॉर्मूला जनरली कम कम दिए जाते हैं। इसके बाद आगे यहां लिख देता हूं CF3TFE आयन और लास्ट में एसीटेट आयन। तो ये शुरू के जो ये ऊपर वाले जो ये लिखे हुए हैं, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप में काउंट होते हैं। और जब भी आपके सामने आएंगे, मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जैसे इसकी तो नहीं होती, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OTF-। तो किसी भी रिएक्शन में OTF- हो तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। मान लीजिए ROTF आपको बॉन्ड दिया हुआ है, अब समझ जाना सर ने बोला हुआ है कि OTF- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो OTF- को रिलीज कर देना और NU को उसके ऊपर अटैक करवा देना। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ONS-। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OBS-। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OTS-। तो जरूर आपने बुक्स में देखा होगा, कई रिएक्शन दिए होते हैं कि OTF-, ONS-, OBS-, OTS-। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर एल्काइल ग्रुप के साथ में OTS लगा हुआ है और आप इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हो, तो बहुत इजीली OTS रिलीज हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो RNU, और क्योंकि ये एग्जिस्टेबल है इसलिए बड़े आराम से रिलीज होकर इसको कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो इस तरह से हम लिविंग ग्रुप की इंपॉर्टेंस को भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो मेन बातें क्या क्या हुई, रिवाइज करें। मेन बात ये हुई कि सबस्ट्रेट जो अभी तक की रिएक्शन में यूज करूंगा वो होगा एल्काइल हैलाइड, रिएजेंट ऐसा केमिकल जो न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करेगा, सोलवेंट, इन रिएक्शन में दोनों टाइप के सोलवेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट SN1 के लिए और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप ऐसा नेगेटिवली चार्ज आयन जो लीव करेगा सबस्टेट में से, उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अच्छे तब होंगे जब वो वीक बेस होंगे, और वीक बेस होने में एक और चीज हेल्प करेगी, वो हेल्प करेगी कि वो किस एसिड से आए हैं। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड से नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर वो वीक एसिड से आएगा तो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास दो एसिड्स हैं HI और HCN, एक हाइड्रोजन आयोडाइड है और एक HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड है, तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है? HI, वेरी गुड। HCN वीक एसिड है, तो HI से जो बेस बनेगा वो कौन सा बनेगा? I नेगेटिव। और HCN से जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? CN नेगेटिव।
तो क्योंकि एच आई ज्यादा एसिडिक है तो सी तो आई नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है और सी नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अच्छे लिविंग ग्रुप स्ट्रोंग एसिड के अनायंस होते हैं और पुअर लिविंग ग्रुप वीक एसिड के अनायंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अब बारी है टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानने की। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड की हुई है। दो पार्ट में डिवाइड की हुई है, एक को बोला जाता है SN1 रिएक्शन और एक को बोला जाता है SN2 रिएक्शन। आइए पहले इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो जनरली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल में मैं वही ले रहा हूँ कि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड हो 3 डिग्री, जिसमें R1, R2, R3 तीन एल्काइल ग्रुप हैं, और कोशिश करिएगा सेम नहीं हो, तो मैं आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता पाऊंगा। R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R2 इज नॉट इक्वल टू R3। जब इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ HNU, जब इनके ऊपर अटैक के लिए आएगा तो ये एक तरह से लिविंग ग्रुप का काम करेंगे और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये H और X तो बाहर निकल जाएंगे, NU इसकी जगह ले लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो दोनों टाइप का मिलता है हमें। कैसे, मैं इसको यहाँ पर शो करूँ। पहले अगर आपको R1, R2, R3, और क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ये चौथे बॉन्ड पे मैं न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, अगर ये कंपाउंड मिलता है तो साथ में इसका इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन वाला कंपाउंड भी हमको मिलता है। ऊपर जगह नहीं है तो मैं नीचे बना रहा हूँ, या इसको हटा देते हैं एक बार। तो अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मुझे दोनों टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एनयू राइट साइड में लगा होगा, यानी कि जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही, और एक उल्टे कॉन्फिगरेशन वाला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। और अगर ये दोनों कार्बन, ये कार्बन कायरल भी है, तो 50% इस टाइप के कॉन्फिगरेशन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और 50% इस टाइप के कॉन्फिगरेशन को मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए आप लोग जानते ही हैं, अगर 50-50% दोनों कौन मिलते हैं, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिख रहे हैं आपको? दो कंपाउंड्स और एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और जिनमें डिसिमिट्री होती है, उन दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे का क्या कहते हैं? इनेंचियोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है? प्रतिबिंब रूप है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें एक इनेंचियोमर का 50% और दूसरे का भी 50% मिलाते हैं, क्या उस मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर नहीं कहते क्या? तो याद रखिएगा, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर आपका कार्बन कायरल था पहले भी, तो उस केस में जो आपको मिक्सचर मिलता है वो मिलता है रेसेमिक मिक्सचर का, जिसमें 50% एक इनेंशियोमर और 50% दूसरा इनेंशियोमर होता है। जहां तक SN2 रिएक्शन का सवाल है, ये रिएक्शन जनरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। अगर मैं एक्स लेता हूं तो यहां पर एक बार मैं एच ले लेता हूं, CH3X। तो अगर मैं इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता हूं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है उसका कॉन्फिग्रेशन जस्ट अपोजिट आता है जहां से वो निकलता है। ऐसे मान लीजिए जस्ट अपोजिट आता है। यहां पर भी एक बार मैं ग्रुप डिफरेंट ले लेता हूं ताकि मैं कायरलिटी बता पाऊं बस आपको। मान लो ये तीन ग्रुप अलग अलग हैं तो कार्बन कैसा हुआ? कायरल। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा और एक्स जब निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये केवल इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन का ही मिलता है बच्चों। आप इनमें ओरिएंटेशन चेक कर लो, ये बताने के लिए बनाई है कि जो एक्स जा रहा है वो तो राइट साइड में दिखा रखा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट उसमें एन्यू कहाँ दिखा रखा है? लेफ्ट साइड में। साथ में जो निकलेगा वो तो निकलेगा ही, प्लस एक्स नेगेटिव आपका बांट कर जाएगा। तो SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन में मिलता है, इसलिए इस फिनोमेना को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर आप SN2 रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट की कॉन्फिगरेशन होगी वो रिएक्टेंट के जस्ट ऑपोजिट होगी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन SN1 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी उतना ही मिलता है जितना कि पहले वाला प्रोडक्ट मिलता है। जैसे इसमें ओरिएंटेशन में एक्स राइट साइड में दिखा रखा है,
तो राइट वाला भी बनेगा 50%, लेफ्ट वाला भी मिलेगा 50%। तो यहाँ जो मिक्सर होता है वो रेसमिक मिलता है, और यहाँ पे तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, और उसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है रिएक्टेंट की। कंपेरेटिवली इस फिनोमिना को वाल्टन इन्वर्जन कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात SN1 और SN2 की ये होती है कि इसमें रेसमिक मिक्सर बनता है और यहाँ पर वाल्टन इन्वर्जन होता है। आप इसको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लीजिएगा, इनका फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट के बारे में कि अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखूं, बच्चों जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हुई है वो अच्छे से जानते हैं कि रेट लो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। इन रिएक्शंस में रेट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मैं चाहूं तो शॉर्ट में RH भी लिख सकता हूं, होता है। और क्योंकि इसकी पावर 1 आ रही है तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो के आता है। एल्काइल हैलाइड को एक बार मैं RX से शो कर लेता हूँ पावर 1। तो आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। इस एक्सप्रेशन को 11th के बच्चे सुन लें, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बेटे रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिलता है, और अगर इस रेट लो एक्सप्रेशन में एल्काइल हैलाइड या किसी की भी कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो हम बोल देते हैं इन रिएक्शंस का ऑर्डर कितना है? 1 ऑर्डर। अगर आपसे को पूछेगा SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है। अगर मैं SN2 के लिए यही रेट लो एक्सप्रेशन लिखता हूं तो प्रैक्टिकली वो मिलता है प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन तो है ही, साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी आती है इसमें। तो रेट इज इक्वल टू के, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आल्सो। क्या आपको यहाँ पर पावर टर्म का सम 2 नहीं मिल रहा है? देखो एक पावर आ रही है RX के रिस्पेक्ट में, सिंगल पावर, और सिंगल पावर आ रही है न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है उसे बोला जाता है 2। क्योंकि इन रिएक्शंस में आगे आएगा स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इनकी मोलिकुलरिटी, हिंदी में बोलते हैं अणु संख्यता, इनकी मोलिकुलरिटी भी कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए इन रिएक्शन का नाम रखा गया है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर उसकी मैकेनिज्म में कई स्टेप्स हैं तो स्लो स्टेप में जिसको RDS भी कहा जाता है कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम क्या बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल के नंबर को हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। और जब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इसके स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है इसलिए मोलिकुलरिटी 1 है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 2 होती है। मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 2। तो याद रखिएगा SN1 रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है, मोलिकुलरिटी भी 1 है, और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलरिटी भी क्या होती है? 2 होती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इसकी रिएक्शन से पता लग रहे हैं। आइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इनके सबस्ट्रेट की नेचर की कि SN1 रिएक्शन कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं और SN2 कौन से एल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं, आइए देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट में बता चुका हूं वो सब्सटेंस जो रिएक्शन को करेगा, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें सीखने हैं। एक तो ये सीखना है कि SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से अच्छे होते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से अच्छे होते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं से कोई कंपैरिजन करवाएगा CH3X से बढ़िया है CH3CH2X, उससे फास्ट रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी हैलाइड, और सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं टर्शियरी हैलाइड। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक तो विनाइल हैलाइड
और एक एराइल हैलाइड्स शो नहीं करते। विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स इस रिएक्शन को शो नहीं करते। जिन बच्चों को इनकी स्ट्रक्चर नहीं पता उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर हेलोजन विनाइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इन्हें हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स, और अगर हेलोजन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। क्यों नहीं करते रिएक्शन शो? इसलिए नहीं करते क्योंकि हेलोजन का प्लस एम इफेक्ट होता है, आप जानते हो, और रेजोनेंस जब भी होगा तो क्या इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है बच्चों, क्या वो बॉन्ड पोस्ट, क्या वो बॉन्ड डबल बॉन्ड बन चुका है? और आपको बताइए जब इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों करेक्टर्स होंगे तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इस एक्स को डिपार्ट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण यहां पे भी रेजोनेंस होगा। हेलोजन का कैसा इफेक्ट होता है रिंग के ऊपर? प्लस एम इफेक्ट। ये जो मेरा जीओसी वाला वीडियो आप देख रहे हैं ना, क्या होते हैं प्लस एम वाले, क्या होते हैं माइनस एम वाले, तो जैसे ही हेलोजन रेजोनेंस करेगा तो ये इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, और अगर इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए तो इसको डिपार्ट करना क्या हो गया बेटे? मुश्किल हो गए। इसलिए विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन शो नहीं करते, इनफैक्ट SN2 रिएक्शन भी शो नहीं करते। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में वो दो केमिकल बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी SN1 रिएक्शन करते हैं, उनके नाम है एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड। आइए तो अगर थर्ड पॉइंट में पढ़ता हूँ इसका, तो कौन से ज्यादा अच्छी करते हैं? एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड्स बहुत अच्छी SN1 रिएक्शन शो करते हैं। आप लोग जानते हैं ये होता है एलाइल ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है? एलाइल। और ये ग्रुप होता है बेंजाइल ग्रुप, ये बहुत बार आया हुआ है हमारे सामने, ये होता है बेंजाइल। क्यों करते हैं अच्छी? क्योंकि अगर स्लो स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है SN1 में? कार्बोनियमाइन। और ये कार्बोनियमाइन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर टूट जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये वाला कार्बोनियम क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसी तरह से अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये आयन भी क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल प्रिंसिपल है, रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं अगर वो किसी भी रीजन से ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं तो रिएक्शन कंपेरेटिवली फास्ट होती है। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके स्लो स्टेप में, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूट के कार्बोनियमाइन बनता है, और जैसे ही ये टूटेगा ये जाएगा एक्स नेगेटिव के फॉर्म में, ये बचेगा पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, और आपको रेजोनेंस करना आता ही है। क्या ये एलाइल कार्बोनियमाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा क्या? ये देखिए, और ऐसे ये भी ये चला जाएगा एक्स नेगेटिव बन के, ये बच जाएगा CH2+ के फॉर्म में, तो क्या ये भी अच्छे खासे रेजोनेंस शो नहीं करते? इसलिए विनाइल और एराइल तो SN1 रिएक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन एलाइल और बेंजाइल ये ज्यादा अच्छी SN1 रिएक्शन को शो करते हैं। चौथा पॉइंट भी बताना बड़ा जरूरी है कि अगर आपके पास में ब्रिज्ड यानी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं और हेलोजन ब्रिज कार्बन एटम का पार्ट है तो ऐसे केमिकल भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करते बच्चों। ये रहा बाईसाइक्लो कंपाउंड, आपको पता ही है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में नेमिंग में डाला हुआ है ये, क्योंकि ये दोनों कौन से कार्बन है? ब्रिज कार्बन एटम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज कार्बन एटम। तो अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है तो वो केमिकल कभी भी, वो कंपाउंड SN1 रिएक्शन, SN2 भी शो नहीं करते, SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर एक रूल हम पढ़ते हैं जिस रूल को बोलते हैं हम ब्रेड रूल। या आगे या तो मैं डिस्कस कर चुका हूं या आगे करूंगा। ब्रेड रूल का मतलब ये होता है कि कभी भी इस वाले कार्बन पर जो ब्रिजिंग कार्बन है ना, तो उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है ना इस पर कभी डबल बॉन्ड आ सकता है। सो ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नॉट बी SP2 हाइब्रिडाइज्ड, इस रूल को हम बोलते हैं ब्रेड रूल। तो बताइए जब फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा एक्स जाएगा तो क्या यहाँ प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा? और अगर यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो ब्रेड रूल की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड रूल
यहाँ पॉसिबल ही नहीं है प्लस से आ जाना, यानी कि ब्रीच एडिड कार्बन sp2 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड अगर दिए हुए हों तो ना तो SN1 रिएक्शन शो करते और ना ही SN2 रिएक्शन शो करते। आगे चलते हैं, अब जरा बात करते हैं इन्हीं सबस्ट्रेट्स की SN2 रिएक्शन के लिए, इन्हीं सबस्ट्रेट्स की SN2 रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं सबस्ट्रेट वाला कॉलम में यहां आ रहा हूं, जो कि थर्ड पॉइंट था हमारा सबस्ट्रेट, तो पहला पॉइंट तो ऑर्डर उल्टा है बच्चों, CH3X सबसे अच्छी SN2 रिएक्शन शो करते हैं, फिर 1 डिग्री एलाइड, 2 डिग्री एलाइड और 3 डिग्री एलाइड, तो बहुत ही पुअर, ऑलमोस्ट ना के बराबर SN2 रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि SN2 की मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आयन जब अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो स्टीरिक क्राउडिंग बहुत बढ़ जाती है, उसके अराउंड बहुत सारे ग्रुप लग जाते हैं और ऐसा कार्बन बन जाता है पेंटावेलेंट कुछ देर के लिए। क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग बहुत बढ़ जाती है तो ऐसे एल्काइल हैलाइड जो ऑलरेडी बल्की होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, वो अच्छी रिएक्शन शो नहीं करते, और छोटे छोटे एल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छी रिएक्शन शो करते हैं। तो पहली बात तो आपको यह कितना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ 3 डिग्री बेस्ट थे अभी इससे पहले और यहाँ 1 डिग्री बेस्ट है। नंबर टू, जो विनाइल हैलाइड की बात की मैंने और एराइल हैलाइड की बात की, वो इसके लिए भी बिल्कुल सही है, ना तो SN1 रिएक्शन शो करते ना SN2 रिएक्शन शो करते। तीसरा पॉइंट, जो बात मैंने एलाइल हैलाइड की और बेंजाइल हैलाइड की, यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली ये दोनों जिस तरह से SN1 रिएक्शन अच्छी शो करते हैं उसी तरह से SN2 रिएक्शन भी अच्छी शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बाद कंपेरिजन में, फोर्थ पॉइंट की सबस्ट्रेट के बाद में न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। सबस्ट्रेट के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, हम बात कर रहे हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है या पुअर न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, और वहां जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग, वो बताऊंगा आपको मैं। यहां जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वीक हैं, और आपको बताइए सारे न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये मैंने रूल्स में बता रखे हैं आपको, जो वीडियो मेरा आपको रेफर कर रहा हूँ 10 रूल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें मैंने बता रखा है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कमजोर होते हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि एसिटिक एसिड एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि अल्कोहल एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, पुअर होते हैं, तो SN1 रिएक्शन में इनका ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम बॉन्ड को ब्रेक करना भी होता है, तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं, जो कि जनरली क्या होंगे, चार्ज होंगे, क्वाइट नेचुरल है कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो वहां आप देखेंगे SH नेगेटिव, HCN नेगेटिव, सॉरी CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, I नेगेटिव, RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये अच्छे अच्छे न्यूक्लियोफाइल उसमें ज्यादा ईल्ड देते, रिएक्शन को फास्ट बनाते। फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जो मैंने 5-7 आपको लिख के दिए थे, वो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। कारण, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में एक्स ब्रेक होता है, मैंने बोला आपको, और कार्बोनियम आयन बनता है। एक तरह से उस बॉन्ड का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है एक तरह से। फर्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्स नेगेटिव और सी पॉजिटिव बनता है, और आयनाइज करने की या आयन को सेपरेट करने की ज्यादा टेंडेंसी उन सॉल्वेंट्स की होती है जिनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होते हैं। आप लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है, आप समझ जाइए उसके अंदर आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। तो बताइए क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर
क्या इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट नहीं होता क्या? यस 80। तो वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, ये ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट जनरली क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो एक तो ये आयनाइज जल्दी कर देते हैं, एक क्वालिटी तो ये है इनकी। और दूसरी क्वालिटी एक और भी है, दूसरी क्वालिटी इनकी ये है कि ये बनने वाले कार्बोनियम आयन को हाइड्रेट करके या सोलवेट करके स्टेबलाइज भी कर देते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर वाटर में कार्बोनियम आयन जाएगा तो क्या ये वाटर के नेगेटिव पोल्स यानी कि ऑक्सीजन एटम से क्या अट्रैक्टेड होगा? इस घटना को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और जितना भी आयन का हाइड्रेशन होता है आप जानते ही हो केमिकल बॉन्डिंग में, उतना ही आयन क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। और जितना ज्यादा आयन स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये दो कारणों से, एक तो वाटर आयनाइज बड़े आराम से कर देता है और दूसरा वाटर इनको हाइड्रेट कर देता है, सोलवेट कर देता है। इसलिए कि SN1 रिएक्शन में कौन से सोलवेंट यूज होते हैं? PPS। लेकिन SN2 में कौन से सोलवेंट यूज होते हैं? PAS। अब PAS की क्या खास बात होती है? PAS की खास बात ये होती है कि ये बनने वाले न्यूक्लियोफाइल को सोलवेट नहीं कर पाता, ये बनने वाले न्यूक्लियोफाइल को सोलवेट नहीं कर पाता। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल पूरे रिएक्शन मिक्सचर में नेकेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, नेकेड न्यूक्लियोफाइल। अगर वाटर होता तो वो इनको सोलवेट कर देता, और अगर वाटर नो डाउट इसको भी करता है सोलवेट, पर इसको भी तो करेगा नेगेटिव आयन को भी। सोचो अगर वाटर ने नेगेटिव आयन को सोलवेट कर दिया तो क्या न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ गया बहुत ज्यादा? भाई अगर वाटर ने न्यूक्लियोफाइल को सोलवेट कर दिया, जैसे वाटर के तीन मॉलिक्यूल अगर मैं लगाता हूं, सपोज मैंने वाटर के तीन मॉलिक्यूल लगाए, क्या वाटर के तीन मॉलिक्यूल के जो 6 H+ आयन है क्या वो न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से हाइड्रेट कर देंगे? बोलो इस ये करने से बेनिफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? लॉस इसलिए होगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल वाटर में अच्छे होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल पीएस में अच्छे नहीं होते, या उल्टा बोल दो, जो न्यूक्लियोफाइल पीएस में अच्छे होते हैं वाटर में उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कभी, कि एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव और आई नेगेटिव। ये वाटर में तो इनकी न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर ये होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। अगर हेलाइड आयन आपको दिए हुए हैं वो आपसे पूछे कौन वीक है कौन स्ट्रोंग है, तो याद रखिएगा वाटर में सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, वाटर में इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बोलो न्यूक्लियोसिटी अच्छी हो जाएगी कि बुरी हो जाएगी? बुरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है जाकर, तो जितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही मुश्किल से अटैक करेगा। तो वाटर में सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? आई नेगेटिव। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जब लिया जाता है, वो सारे सॉल्वेंट आपको याद रखने, DMSO, DMA वगैरह, उसमें यही ऑर्डर क्या होता है आपका? ओपोजिट होता है बेटे। तो DMSO में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? फ्लोराइड आयन है। और वाटर में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडाइन आयन है। तो आप देख पा रहे हैं सोलवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन की रेट को निकालने में। अब हम बात करते हैं इसके बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, सॉरी एक चीज रह गई, इंटरमीडिएट। सिक्स पॉइंट है कि SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो होता है कार्बोनियम आयन। SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? कार्बोनियम आयन। अगर मैं इनकी मैकेनिज्म का स्टेप आपसे डिस्कस करूं तो दो स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप बोला जाता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। उस स्टेप में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक्स वाला बॉन्ड निकल जाता है तो एक बनता है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और सेकंड स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। और अब आपको पता लगेगा दोनों प्रोडक्ट क्यों बनते हैं। अभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। इस कारण से जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो पुराने जैसा भी आ सकता है और इन्वर्टेड भी आ सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, याद करिए। ये स्टेप नंबर 2 होता है और ये कंपैरेटिवली क्या होता है? फास्ट होता है।
दोबारा से, एसएलएन रिएक्शन की मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये है जिसमें ये वाला बॉन्ड आयनाइज होता है, कार्बोनियम आयन बनता है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, अब क्योंकि प्लेनर कार्बोनियम आयन है, और फाइनल कंपाउंड कैसा बनाना है, टेट्राहेड्रल, तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। जब वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो सब मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट बनता है, तो बैक साइड से अटैक करने पर क्या इसके इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? तो ये अंतर होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है अगर ये कार्बन कार्यल है तो। अगर ये कार्बन कार्यल है तो ये दोनों भी कंपाउंड में कार्यल होंगे, तो इन दोनों को एक दूसरे के क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कौन बनते हैं, कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर मैं SN2 रिएक्शंस की बात करता हूं, अगर मैं SN2 रिएक्शंस की बात करता हूं तो वहां पर मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। SN2 रिएक्शन पहली बात तो सिंगल स्टेप में होती, और किस तरह से होती है, ये आपका एक्स है, ये ग्रुप लगे हुए हैं, एक ही स्टेप है जिसको हम स्लो स्टेप कहें कि सिंगल स्टेप कहें, कुछ भी कहें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहें। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो फ्रंट साइड से तो कर नहीं सकता, क्योंकि तो फ्रंट साइड से तो कौन बैठा है, एक्स, तो ये कहां से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। बेचारे के पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ पे इनके जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज उसकी छोटी लोब होती है, तो छोटी लोब से अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक करता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें एक्स वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं है अभी, और एनयू वाला बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है अभी, तो ये बॉन्ड दोनों पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। इस स्टेट को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेट को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है इसलिए इसको ब्रैकेट में शो किया जाता है। और इसका जो पार्शियल चार्ज आएगा वो माइनस होगा, क्योंकि आप इस नेगेटिव आयन को इस पर अटैक करवा रहे हैं। हालांकि इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ट्रांजिशन स्टेट्स में और इंटरमीडिएट में, याद रखिएगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है। तो इंटरमीडिएट क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इंटरमीडिएट को तो आइसोलेट कर सकते हैं हम, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इतनी कम होती है कि इसको आप रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट नहीं कर सकते। इसी स्टेप में स्टेप वही चल रहा है, अब जल्दी से एक्स निकल जाएगा, तो आप मुझे बताइए अगर एक्स निकल जाएगा तो एनयू कहाँ जुड़ा रह जाएगा, जहां से एक्स निकला वहां पर या उसके ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड में। इसलिए इस घटना को हमने नाम क्या दिया था, वाल्डन इन्वर्जन। इस घटना को हमने नाम क्या दिया था, वाल्डन इन्वर्जन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां बनता है कार्बोनियम आयन और यहां हाईलाइट कर दो, यहां बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, यह बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट SN2 के अंदर। और एक छोटा सा पॉइंट लास्ट बोल के खत्म कर रहा हूं, कार्बोनियम आयन बनने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बोनियम आयन अपने आप को शिफ्टिंग के थ्रू, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू या रिंग कॉम्प्रेशन के थ्रू मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो हो सकता है रिएक्टेंट का बॉन्ड कहीं और से टूटे और प्रोडक्ट जो बने जुड़े वो कहीं और जुड़े, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग वगैरह भी पॉसिबल होती है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट लास्ट पॉइंट है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। लेकिन क्योंकि यहां पर नहीं बनता कार्बोनियम आयन, तो सेवंथ पॉइंट इसका है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।